हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टाइटल्स। सो गाइस, आज हम जानने वाले हैं डिफरेंस एंड यूजेस ऑफ मे एंड माइट। इन दोनों के बीच का अंतर और इनका क्या यूज़ है, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लगभग जानते ही होंगे कि ये मे और माइट दोनों का यूज़ हम पॉसिबिलिटीज़ को लेके करते हैं, कि जैसे कि ये काम हो सकता है, ये काम इस तरह से हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता, ऐसा भी होता है। लेकिन अब जब दोनों को पॉसिबिलिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है तो किसी एक को ही कर लें, ऐसा दो क्यों बनाए गए वर्ड्स? तो वो जानते हैं क्या है इनके बीच का अंतर। यूज़ किया जाता है पॉसिबिलिटीज़ के लिए, संभावनाओं के लिए। तो है तो पॉसिबिलिटीज़ के लिए, बट मे का जो यूज़ है वो 50-60% अगर किसी काम के होने की संभावना हो तो होता है, और माइट का अगर किसी काम के होने की संभावना लगभग या तो ना के बराबर हो या तो 10-20% तक हो तो हम माइट का यूज़ करते हैं, नहीं तो 50-60% अगर कोई काम हो सकता है तो उसके लिए मे का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको अगर एग्जांपल देके समझाऊं तो देखिए, जैसे कि ये देखिए, मैं आपको अच्छा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि इट मे बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट माइट बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, मतलब एक ही है। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे होंगे, इट मे बी रेन टुडे के सामने मैंने एक आइकन लगाया है, एक इमोजी लगाया है, आप देखिए उसमें जो बादल हैं वो सूरज को ज़्यादा घेर रखे हैं, यानी बारिश होने की संभावना ज़्यादा है, और नीचे वाले में सूरज ज़्यादा बड़ा है बादल से, यानी बारिश होने की संभावना कम है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था, इस तरह से हम इन दोनों का यूज़ करते हैं। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से वीडियो समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक यू।